गुड मॉर्निंग शिनचैन, कैसे हो तुम? हेलो, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? तुम बहुत सुंदर लग रही हो आईजन, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। अरे मैं महाराजाओं की फैमिली से हूँ और मैं असली प्रिंसेस हूँ। आईजन रुको, आईजन रुक जा। कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है ना इसने, जब देखो तब दिखावा करती है। इस ड्रेस में वो भाग नहीं सकती। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। आप सभी का बहुत शुक्रिया। स्कूल के ठीक बाद ही उसे एक इम्पोर्टेंट सेरेमनी के लिए जाना है, इसीलिए वो। लेकिन आज तो हिमा वाली ग्रुप की बारी है, सही कहा ना मैंने? हाँ, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। क्या हुआ? आई ने जो ड्रेस पहनी है वो बहुत महंगी है। ये तो वही पैटर्न है। हाँ, इस तरह की पैटर्न वाली ड्रेसेस बहुत महंगी होती है और ये सिर्फ राजकुमारियाँ ही पहनती है, तो हमें इसकी ड्रेस का ख्याल रखना होगा। क्या करूँ? राजकुमारी, हमारे निंजा दुश्मन अब हमारी रक्षा करेंगे। क्या तुम लोग मिलकर मेरी रक्षा करोगे? हम आपकी रक्षा करेंगे। सही कहा। हे सुनो, मेरी बात सुनो तुम। ए लड़की सुनो। क्या बात है? तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। नैनी गुस्सा क्यों हो रही हो? हम तो बस नाटक कर रहे हैं, तुम्हें भी वही करना है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं बनना अच्छी लड़की, मैं कुछ और खेलूंगी। तुम ही खेलो इस खेल को। अरे नहीं, देखिए हमारे स्कूल का अपना यूनिफॉर्म है, लेकिन फिर भी बच्चे जो चाहें वो पहन के आ सकते हैं घर से। हाँ सर, लेकिन सुनो, वो काले कपड़ों में बड़ा सा आदमी कौन था? वो काले कपड़ों वाला आदमी आई का बॉडीगार्ड है। हाँ हाँ, जो कोई भी है, पर तुम्हें ठीक से बात करनी चाहिए। अरे हाँ बताइए तो सही, वो कहाँ पर है? वो तो क्या कहा, इस तरह से वो बॉडीगार्ड का काम कैसे कर सकते हैं? वो थक भी तो सकते हैं। तुम्हें क्या पता कि बॉडीगार्ड की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है? क्या कह रही हैं आप? हे सुनो। हाँ बोलिए। मैं बोर हो रही हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग आइडिया है? अभी तो कुछ सोचा नहीं, पर सोच लूंगा। मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। इससे क्या करोगे? इधर चल। अरे ये तो पालकी जैसा लग रहा है। सही कहा तुमने तो पहचान लिया। शिनचैन, क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है? बोलो। पता नहीं, मेरा बस बनाने का मन था तो मैंने बना दिए। अच्छा, तो इसमें बैठने से कुछ होगा तो नहीं ना? चलिए इसकी टेस्टिंग करें। बच्चों ये गेम खतरनाक हो सकता है, ऐसे गेम मत खेला करो। मैम हमने सारे सेफ्टी टेस्ट कर लिए हैं, ये बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट है। सारे स्टैंडर्ड क्लियर है। पर जानती हो, इसने इकोनॉमिक सेफ्टी स्टैंडर्ड क्लियर नहीं किए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है कि एक प्रिंसेस को कैसल से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम तो आइसक्रीम लेने जा रहे थे। पर अगर इसे चोट लग गई तो बुरी बात होगी ना? अगर ड्रेस गंदी हो गई तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें सजा भी दी जा सकती है। तो क्यों ना चॉको चिप्स लेने चली? लेकिन परेशानी कुछ और है शिनचैन। चॉको चिप्स नहीं मिलते हैं क्या? अरे बात ये भी नहीं है मसाओ। ठीक है तो अब रुमाल ड्राई करते हैं। ओके मैम। ठीक है तो सबसे पहले सफेद रुमाल को रबर से इस तरह से बांधो और फिर बकेट्स में रखे रंग से ड्राई करो। तैयार है साहब? ठीक है। लेकिन उससे पहले अब ठीक है? ये बहुत अनकंफर्टेबल है। लेकिन इसके बिना तुम्हारी ड्रेस गंदी हो जाएगी। अरे मैं तो इसे पहनना चाहता हूँ। हाँ? अरे
गई है क्या? हाँ बस हो ही गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बो। मेरी तो जैसे सांसें रुक गई थी। ये खतरनाक है। वैसे क्या तुम्हें पता है उसके बालों में लगा क्लिप भी बहुत महंगा है। सुनो अगली क्लास में हिमावारी ग्रुप का एक्सरसाइज करेगा ना? हाँ करेगा तो। क्या तुम अपनी ड्रेस चेंज कर रही हो? मुझे लगता है तुम्हें इसे पहने रखना चाहिए। सही कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें सब पता है। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। रुको नैनी, आयशन ने कपड़े चेंज कर लिए क्या? मैंने उसे कहा कि कपड़े चेंज करना ठीक नहीं होगा तो उसने चेंज नहीं किया। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा शुक्रिया नैनी। तो सब आ गए हो ना? हाँ मैम, बस शिनचान को छोड़ के। ठीक है कोई बात नहीं, आ ही जाएगा वो भी। तो जब तक हम शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई। हाँ? मैंने तो तुम्हें चेंज करने से मना किया था। हाँ लेकिन आज मुझे शिनचान के साथ डांस करना है। हाँ, इसे ड्रेस कौन पहनाएगा? बाहर सब मेरा इंतजार कर रही होंगी, मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। अरे नहीं, क्या ये सच में ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, ऐसे ही करती रहो। मुझसे नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं। अरे सुनो, तुम्हें अभी इसे ये भी पहनाना है। अब हम सब क्या करेंगे? कि मैंने पहनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो रहा है। चलिए ये काम भी हो गया। आज हम खरीदेंगे कूपन से गिफ्ट। आज तो हमें डिसाइड करना ही होगा। गिफ्ट? मैं गिफ्ट की बात कर रही हूँ। मैं तो भूल गया था। क्या हम इसमें से अपनी पसंद की कोई भी चीज ले सकते हैं? ठीक है बेटा, देखो इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मुझे तो एक्शन कामिन वाटर गन चाहिए। तुम कुछ और भी तो ले सकते हो शिनचैन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं देखो। एक्शन कामिन वाटर गन ढूंढिए ना। अरे वॉलेट, मैं तो नया लेने की सोच ही रहा था। वॉलेट खरीदने की जगह आप मेरे लिए चाकू भी खरीद सकते हैं। बेकार बातें क्यों करते हो बेटा। ये देखिए हरी, ये ट्राइपॉड तो बहुत बढ़िया है, इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाया करेगा। देखो मिक्सी ये बढ़िया तो है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी। नहीं हैरी, मैं इस ट्राइपॉड का इस्तेमाल जरूर करूंगी। तंदूर खरीदते वक्त तुमने यही कहा था, लेकिन उसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया तुमने। आपने अभी तक उसमें पनीर टिक्का तंदूरी रोटी नहीं बनाई मैम। एक दिन जरूर बनाएंगे बेटा, पर अभी तो मुझे ट्राइपॉड ही चाहिए। जानता हूँ तुम इसे इस्तेमाल नहीं करोगी, लेकिन मैं वॉलेट जरूर इस्तेमाल करूंगा और हमें ये ले लेना चाहिए। हमें एक्शन कमिंग वाटर गन भी मेरे इस्तेमाल के लिए ले लेनी चाहिए। अरे हैरी, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मेरा तो ये सब चीजें लेने को दिल कर रहा है। मुझे देखने दो ना मिक्सी जरा। मैं भी देखूंगा। मैं नहीं, हम बारी बारी से देखेंगे। जो सबसे छोटा है उसे पहले देखना चाहिए। ऐसे तो मुझे सबसे आखिर में मिलेगा, क्यों ना हम उम्र के हिसाब से चलें, जो सबसे बड़ा है उसे सबसे पहले मिलेगा ये। हैरी आपने सुना नहीं, लेडीज फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं देखूंगी। बड़े लोगों को अच्छी सेहत बनाने के लिए वर्क पर जाना चाहिए, तब तक के लिए मैं देख लेता हूँ। बड़ा कौन है यहाँ शिनचैन? चलो ठीक है, तुम लोग देख लो पहले, मैं बाद में देखूंगा। हाँ, पर इसमें एक आइटम सेलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा क्या लूं। मुझे थोड़ा सा बैग चाहिए मिक्सी। मेरे हिसाब से ब्यूटी सोप ही बेस्ट है। क्या बात कर रही हो, इससे मेरी स्किन साफ और। बैग में कितने सारे पॉकेट्स हैं मिक्सी। मुझे मेरी एक्शन कामिन वाटर गन चाहिए। नहीं ब्यूटी सोप। बैग, मुझे इसकी जरूरत है। एक काम करते हैं, हम कुछ ऐसा खरीदते हैं जिसे हमने पहले ना खरीदा हो। अगर मैंने एक्शन कामिन वाटर गन नहीं खरीदी तो एक्शन कामिन को बुरा लग जाएगा। डैड, अभी तुम्हें उसकी इतनी जरूरत नहीं। मेरी बात मानिए, ब्यूटी सोप ही खरीदेंगे। मिक्सी तुम अपनी खरीदारी सेल के दौरान भी तो कर सकती हो। लेकिन इतना अच्छा डिस्काउंट हमें कभी नहीं मिलेगा हैरी। हम एक्शन कामिन वाटर गन खरीदेंगे। लगता है मेरा वॉलेट नहीं आने वाला है। हम कब तक फैसला कर सकते हैं? अगले महीने की आखिरी तारीख। ठीक है फिर तो बहुत वक्त है। हम अगले महीने ही सोचेंगे। हैरी, गिफ्ट खरीदने की आखिरी तारीख कल है, हमें फैसला करना होगा क्या खरीदें। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपका इस बारे में क्या कहना है? लेकिन मैंने तो वॉलेट और बैग दोनों खरीद लिए हैं मिक्सी। अरे इसमें तो बॉल बॉल भी है। मुझे एक्शन कामिन वाटर गन चाहिए। तुम तो एक ही चीज पर अटके रहोगे शिनचैन। देखिए ना हैरी, इस पर कितनी अच्छी ऑफर मिल रही है। और तुम्हें हर बार कुछ नया चाहिए। मान चाहिए ना हैरी, इस पर जितना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है ना, हो सकता है वो फिर आगे ना मिले। क्यों शिनचैन, मैंने ठीक कहा? मुझे पनीर टिक्का खाना है। बिल्कुल नहीं, फैसला होगा स्टोन सीजर पेपर से। मुझे चाहिए गोल्फ बॉल और मुझे चाहिए ब्यूटी सोप, एक्शन कामिन वाटर गन।
सब तैयार हो ना? अरे बस मैं बहुत थक गया हूँ, मुझसे और नहीं होगा ये। मुझसे भी नहीं। हेलो, अरे दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? अच्छा तो तुम लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए और तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम आ गई हो तो तुम ही हमारी हेल्प कर दो। मुझे चाहिए कॉल फोन। हमें एक्शन करने की ऑर्डर लेनी चाहिए ना। अच्छा लाओ मुझे देखने दो। अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। क्या फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट्स भी हैं। खाने के नाम से मुझे भूख लग गई। तुम तो हमेशा खाने की बातें करती रहती हो, शायद तुम डिनर करने ही आई हो। नहीं ऐसी बात नहीं है। अरे तुम्हें तो ये लेना चाहिए। क्या कहा, एक्शन कमिंग वाटर गन। उससे भी अच्छा शिमला मिर्च पर बहुत अच्छा ऑफर है, यही ले लो। हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। हाँ अभी फ्रिज में बहुत सारी शिमला मिर्च पड़ी हुई है। मुसाई तुमने सच में बहुत ही बेकार चीज सुनी है। क्या कहा, मेरी चॉइस बेकार है? मुझे जो दो तीन चीजें पसंद आई है हम उसी में से ले लेते हैं। गोल्फ बॉल से बढ़िया कुछ नहीं है मिक्सी। हम एक्शन कमिंग वाटर गन लेंगे। ठीक है, हमें गेम खेलकर डिसाइड करते हैं। गेम खेलकर? क्या तुम भूल गई, जब भी हमें कुछ डिसाइड करना होता था तो हम चोर पुलिस खेलकर डिसाइड करते थे। हाँ मुझे याद है। मैं इस किताब को लेकर भागूंगी और जो मुझे पहले पकड़ लेगा वो अपनी पसंद की चीज खरीद सकता है और इस तरह से डिसाइड हो जाएगा कि आपको क्या खरीदना है। ठीक है ना? मजेदार आइडिया है, चलो खेले। अच्छा आइडिया है। और दिए गए वक्त में अगर हम नहीं पकड़ पाए तो तब क्या होगा मुसाई? तब आप लोगों को मेरी पसंद की चीज लेनी होगी। सच में मुसाई तो बहुत होशियार है। हम इसी पार्क में खेलेंगे और 15 मिनट में आपको मुझे पकड़ना होगा। ठीक है? ओके ओके। मैम हिमावरी कहाँ है? मुझे लगता है कि ये गेम तो मैं ही जीतूंगा आज। आप सब तैयार हैं? तो हम शुरू करते हैं। ये गेम जीतूंगा तो मैं ही। आप आराम से तो गिरी ना, आपको लगी तो नहीं? तो आप तो कमजोर खिलाड़ी निकले। चलो भागो। अब मुसाई, अब तुम अपनी हार मान लो। इतनी आसानी से नहीं। तुम भूल गई हो शायद, मैं खरगोश से भी तेज दौड़ती हूँ, तुम पकड़ नहीं पाओगी। खरगोश से भी तेज? ठीक कह रही हूँ, तुम बचपन से ही बहुत तेज दौड़ती हो। याद आ गया ना? तो तुम अब अपनी पसंद की चीज को भूल ही जाओ क्योंकि अब मैं ही जीतूंगी। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना मुसाई? बस मैं थक गई हूँ। अब मैं शिमला मिर्च खरीदूंगी। क्या हो गया मिर्ची? और नहीं भाग सकती। इन दोनों ने तो हार मान ली है, अब मुझे सिर्फ शिनचैन को हराना है। अच्छा तो मुझे पकड़ने के लिए तुम वहाँ छुप कर बैठे हो। मैं जीत गया। शिनचैन तुम वो क्या था? मैं तो जीत गया। बहुत बढ़िया शिनचैन बेटा। वाह क्या खूब, तुमने मुसाई को हरा दिया। हाँ इसके सामने मैं भी हार गई। मैम मैं जीत गया तो हम एक्शन कमिंग वाटर गन ऑर्डर करेंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं शिनचैन बेटा। अरे कूपन तो कहीं है ही नहीं। क्या? मेरी सारी छुट्टियाँ खत्म हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मुसाई, इसमें मेरी क्या गलती? तुम लोग पहले डिसाइड नहीं कर सकते थे? मिस्टर कूपन प्लीज बाहर आ जाइए ना। आज मैं जाऊंगा बुक स्टोर में। आजकल बुक स्टोर में ग्राहक कम हो गए हैं। पहले लोग अच्छे खासे किताबें पढ़ा करते थे लेकिन आजकल लोग कम किताबें पढ़ते हैं। हमें लोगों की रुचि किताबों में बढ़ानी पड़ेगी, यही हमारा टारगेट है। ठीक है मैडम। और नाकामुरा ध्यान देना, किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। समझ गई। आपका स्वागत है। सुनो वो लड़का आया है, उसे भगाओ। कौन आ गया मैडम? वही छोटा सा नर्सरी वाला लड़का जो बहुत परेशान करता है। शिनचैन नोहारा, उसे जो चाहिए वो जल्दी से दो और निकालो यहाँ से। ठीक है। अरे क्या कैच था, आपका
बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस किताब लेने की कोशिश कर रहा था। मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए किताब निकाल दूंगी। जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने आपसे पूछा था कि आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। अच्छा तो फिर सुनो, तुम ऊपर रखी किताबों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाओगे, तुम्हें चोट लग सकती है और किताबें खराब हो सकती हैं, समझ गए तुम? हाँ ठीक है। इसने तो फौरन मेरी बात मान ली, मुझे इस पर पूरी नजर रखनी होगी। आपका बुक स्टोर में स्वागत है। मैंने सिर्फ एक ही किताब लिखी है, क्या वो यहाँ पर बिक रही है? सुनिए जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ? दरअसल मैंने ये किताब लिखी है, 10 सुपर चेंज मैजिक वर्ड्स। मैं जानना चाहता हूँ क्या ये बिक रही है और इसका रिस्पांस कैसा है, क्या आप बता सकती हैं? हाँ, सच कहूँ तो मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? हाँ, क्योंकि यहाँ इतनी सारी किताबें हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ? सच में कितनी अजीब बात है ना। तुम इस किताब को यहाँ पर मत रखो। लेकिन क्यों? क्योंकि इसके नीचे रखी किताब नहीं दिखेगी। इस पर क्या लिखा है? तुम्हें इसकी भाषा समझ नहीं आ रही? कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना? अरे इसमें तो एक भी पिक्चर नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे इसमें पिक्चर्स डालनी चाहिए थी? अगर ऐसा करता तो मेरी किताब बिकती? मुझे ये तो नहीं पता। चलो जाने दो। अरे ये क्या किया, उस पर मत रखो। ये क्या है? बड़ी बुरी डायमंड के एडवेंचर्स। ये तुमने बनाया? हाँ, पूरी दुनिया में ये एक ही किताब है। अरे तो बहुत छोटी है। इसकी आगे की कहानी भी है। ये इसका पार्ट टू है। तुम सच में मजेदार बातें करते हो। देखो ये एक बुक शॉप है और यहाँ पर सिर्फ वही किताबें रखी जाती हैं जो पब्लिश हुई हो। तो ये बात है, जैसे ये बेकार बुक। क्या कहा तुमने, बेकार बुक? ये कोई बेकार बुक नहीं है, समझे? तो मेरी बुक भी बहुत अच्छी है अंकल। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, समझे तुम? मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। देखो मैंने एक किताब लिखी है, मैं बस थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाना चाह रहा था। हाँ, और मेरा नाम है उरिता इमोन। उरिता इमोन, क्या पूछ सकते हैं? देखो मैं चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, इसलिए मैंने ये बुक लिखी है, मैजिकल वर्ड नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, और ना ही ये कि मैं बुरा हूँ, बल्कि अपने आप में विश्वास। अब ठीक, पीछे मुड़िए, अब आगे बढ़िए, यहाँ रुकिए, अब दाईं तरफ मुड़िए, सीधे चलिए। अपनी हाइट थोड़ी बढ़ाइए। तुम कर क्या रहे हो? मैं एक बग ढूंढ रहा हूँ अंकल, मुझे और ऊपर उठाइए ना। मुझे अंकल मत बोलो बल्कि भैया बोलो, और ऊपर नहीं जा सकता। काश आप में थोड़ी और ताकत होती। नहीं हो सकता। नाकामुरा, नाकामुरा सुनो। हाँ कहिए। वहाँ जाकर उस कस्टमर की किताब ढूंढने में मदद करो। ठीक है। क्या आप ये ऊपर की किताबें निकालने के लिए बच्चे की मदद ले रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये बच्चा तो खुद ही। दीदी बताए, मैंने अंकल को समझाने की बहुत कोशिश।
ताकि बच्चे इस तक ना पहुंच पाए। माफ कीजिएगा सर, मुझे ये सारी किताबें फिर से लगानी होंगी। ये तो ये बुक वहाँ पर थी। ये बुक किसी के लिए थी? नहीं देखिए, मैंने ये बुक लिखी थी इसलिए मैं मैं बस अपनी पहली बार लिखी हुई बुक को देखते हुए देखना चाहता था। पता नहीं ये बेस्ट सेलर बुक बनेगी या फिर नहीं, पर अभी तो एक भी बुक नहीं बिकी है। मैं इसको इसकी जगह पर वापस रख देता हूँ। ये तैयार है? ये क्या बनाया है? अपनी मन की आंखों से देखिए। अच्छा इसे कोई खरीदना चाहे तो फिर क्या करोगे? मैं इसे बेच दूंगा चॉकलेट आइसक्रीम के बदले। क्या बात है, मैजिकल वर्ड नंबर 8, अपील अपील योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे भी एक पेपर दोगे? हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए अंकल। मैंने कहा ना मैं अंकल नहीं हूँ। अब सही हो गया। ओ लाजवाब। सुनो बच्चे, ये तुम्हारा नर्सरी स्कूल नहीं है। अगर खेलना ही है तो बाहर जाकर खेलो। मैं खेल नहीं रहा हूँ दीदी, मैं तो अपनी बुक लिख रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ सिर्फ खेल रहे हो। हे रुको। ये सच है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैजिकल वर्ड नंबर 10, ड्रीम। इतनी मेहनत करो कि सपना सच होने को मजबूर हो जाए, वरना सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। ये दे दीजिए। आप खरीद रहे हैं 10 सुपर चेंज मैजिक वर्ड? आपने मेरी बुक खरीद ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने लिखी है और आप मेरे पहले ग्राहक हैं। आखिरकार ये किताब बिक ही गई।